एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल अर्न ट्यूशन। सो हम फ्रेंड्स लास्ट वीडियो में रेशन प्रपोर्शन के कुछ बेसिक पॉइंट्स कर चुके थे, कुछ बेसिक रूल्स हम पढ़ चुके थे और आज हम करने वाले हैं उसी का थोड़ा सा अपडेट, यानी कि थोड़े से हार्ड लेवल। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं, एक कंडीशन देख लेते हैं कि आपकी कंडीशन क्या होती है एंड देन उसके बेसिस पे क्या कर लेते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो जो भी ये कंडीशन है ये आपकी उसकी है, जब भी आपके मिल्क वाटर के ऊपर कुछ क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, मिल्क एंड वाटर ले लीजिए। ठीक है, यानी लिक्विड फॉर्म में जो चीज़ें आपकी आती है ना, उस कंडीशन के, उस बेसिस के कंडीशन पर ये है। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, कंसिडर अ मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ ए एंड बी। मान लीजिए एक मिल्क और वाटर, यानी दूध और पानी का एक मिक्सचर है। ठीक है, दूध पानी मिला हुआ है, किस रेशियो में, ए रेशियो बी में। इफ एक्स लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू द मिक्सचर, यानी अगर एक्स लीटर पानी मिक्सचर में मिलाया जाता है, ठीक है, यानी कुछ लीटर पानी अगर मिक्सचर में मिलाया जाता है, देन मिल्क एंड वाटर बिकम इन द रेशियो इज टू सी, देन द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर इज गिवन बाय ए एक्स सी माइनस बी। यानी अगर एक्स लीटर, कुछ लीटर पानी मिक्सचर में ऐड किया जाता है, तो पानी और मिल्क का अब क्या हो जाएगा, मिक्सचर किस रेशियो में बन जाएगा, ए रेशियो सी में। पहले कितना था, ए रेशियो बी में, अब बन गया ए रेशियो सी में। देन द क्वांटिटी ऑफ मिल्क, तो जो मिल्क की क्वांटिटी है मिक्सचर में, वो आप कैसे निकालोगे, ए मल्टीप्लाई बाय एक्स, यानी जो लीटर पानी एक्स्ट्रा मिला है, सी माइनस बी। ठीक है, और वाटर की पूछी जाए तो बी एक्स सी माइनस बी, ऊपर ए से मल्टीप्लाई है, नीचे बी से मल्टीप्लाई है। ठीक है, सिर्फ इतनी सी बात है। चलो क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे कि क्वेश्चन कैसे होगा। चलो, अ मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 4:3। एक मिल्क मिक्सचर ने क्या कंटेन किया है, मिक्सचर किस चीज़ का है, पानी और दूध का है, जो कि किस रेशियो में है, 4:3 में। इफ 5 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू द मिक्सचर, अगर 5 लीटर पानी उस मिक्सचर में मिलाया जाता है, तो जो रेशियो है वो क्या बन जाता है, 4:5। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द गिवन मिक्सचर, तो क्वांटिटी निकालो गिवन मिक्सचर की, मिल्क की क्वांटिटी क्या है उसमें। सबसे पहले हम ए लिखेंगे, ए क्या है आपका 4, बी क्या है आपका 3, यही है ना, 4:3, ए है 4, बी है 3, एक्स है 5 लीटर, ओके, और ए और सी है आपका 4 और सी है आपका 5। चलो इसको क्या करोगे, आप पुट कर लेते हो, किस वाले फॉर्मूले में पुट करोगे, क्या निकालना है आपका, मिल्क की क्वांटिटी निकालनी है। तो मिल्क का फॉर्मूला क्या है आपका, ए इंटू एक्स सी माइनस बी। चलो पुट करो, ए कितना है आपका 4, एक्स कितना है 5, सी कितना है 5 और बी कितना है आपका 3। ठीक है, तो क्या आ गया आपका, 4 5 20, 5 में से 3 गए 2, 2 10 20, यानी 10 लीटर आपकी क्या है, मिल्क की क्वांटिटी होगी। और वहीं अगर यहाँ पे वाटर की भी पूछ ली जाती तो बी एक्स सी माइनस बी। देखा कितना सिंपल तरीका था, और काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व हो जाएंगे। चलो एक और तरीका देख लेते हैं जो इसमें है। दूसरा जो तरीका है, मैं आपकी उसकी कंडीशन बताती हूँ, जहाँ पे अर्निंग्स और सेविंग्स और एक्सपेंडिचर्स, यानी कितनी अर्निंग हो रही है, कितने आपके खर्चे हो रहे हैं, कितना आप बचत कर रहे हो, इस तरीके के क्वेश्चन आपके किस तरीके से सॉल्व होंगे। आपकी कंडीशन क्या है, देखो, द इनकम्स ऑफ 2 पर्सन्स आर इन द रेशियो ऑफ ए एंड बी। मान लीजिए 2 आदमियों की इनकम है, कुछ वो कमा रहे हैं, वो किस रेशियो में है, ए रेशियो बी में। एंड देयर एक्सपेंडिचर्स आर इन द रेशियो ऑफ सी एंड डी, और जो उनके खर्चे हैं वो किस रेशियो में है, सी रेशियो डी में। इफ ईच ऑफ देम सेव्स रुपीज एक्स, देन देयर इनकम्स आर, अगर वो दोनों, ठीक है, एक्स रुपीज बचा रहे हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन में फ्रेंड बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, हम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं और इवन हमें लगता है कि ये नहीं होगा, लेकिन इतनी छोटी सी ट्रिक मैं आपको बता दूंगी कि आप चुटकियों में इसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, इफ़ ईच ऑफ देम रुपीज कितने बचा रहे हैं, एक्स, तो अगर उनकी इनकम आपसे पूछी जाए तो आप क्या करोगे, एक्स डी माइनस सी, डी क्या है आपके एक्सपेंडिचर का रेशियो दूसरे वाले का, ठीक है, माइनस सी से आप माइनस कर दोगे, ए डी माइनस बी सी। ठीक है, ये थोड़ा सा लर्न करने के लिए प्रॉब्लम है, बट अगर आपने कर लिया तो आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ए डी माइनस बी सी इंटू ए, और अगर दूसरे का रेशियो जो होगा इनकम का, वो होगा एक्स डी माइनस सी ए डी माइनस बी सी इंटू बी। ए और बी का फर्क है, बाकी सेम है। ठीक है, और अगर एक्सपेंडिचर्स बोला जाए कि खर्चे क्या होंगे, तो खर्चे होंगे आपकी एक्स बी माइनस ए ए डी माइनस बी सी इंटू सी, और एक्स बी माइनस ए ए डी माइनस बी सी इंटू डी। क्या चेंज हुआ है, सिर्फ ये चेंज हुआ है, ये पार्ट चेंज हुआ है और कुछ पार्ट चेंज नहीं हुआ है। तो कितना सिंपली आप एक्सपेंडिचर और इनकम निकाल सकते हो। चलो मैं आपको इसको बताती हूँ क्वेश्चन के साथ कि आप इसे कैसे सॉल्व करोगे। ओके दोस्तों, यहाँ पे आपके पास एक क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ द इनकम्स ऑफ रमन एंड गगन। दो लड़के हैं रमन और गगन, उनका रेशियो क्या है इनकम का, 4:3 है। ठीक है,
और एन रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर 3:2, और जो उनके खर्चों का रेशियो है वो कितना है, 3:2 है। इफ ईच पर्सन सेव्स, कितने रुपए बचा रहे हैं वो, 2500 बचा रहे हैं, हर आदमी 2500 बचा रहा है, तो बताओ उनकी इनकम क्या है। खाली यहाँ पे इनकम निकालनी है, जहाँ पे आपको एक्सपेंडिचर निकालो वहाँ एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला लगा दो। अभी आपको निकालना क्या है, ए 4 है, बी 3 है, सी 3 है और डी आपका 2 है। एक्स आपका कितना है, रुपीस 2500। इनकम का क्या था आपका फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करेंगे हम। इनकम का फॉर्मूला क्या था आपका, एक्स डी सी और ए डी माइनस बी सी इंटू ए एंड एक्स डी माइनस सी ए डी माइनस बी सी इंटू बी। ठीक है, यही था ना। तो चलो ये क्या है आपकी, ए वाला पार्ट क्या है आपका, रमन का। ठीक है, रमन ही है ना, हाँ। और बी वाला क्या होगा आपका, गगन का। तो एक्स क्या है, 2500, डी क्या है, 2, सी क्या है, 3, ओके। ए क्या है, 4, डी क्या है, 2, माइनस बी क्या है, 3 और सी क्या है, 3, इंटू कर दोगे आप इसको 4 से, ओके। तो 2500, ठीक है, 25 किस में आ जाएगा, -1, ठीक है, -1 2500 और 4 2 8, 3 3 9 इंटू 4, ये भी कितना आ जाएगा आपका, माइनस में। तो ऊपर क्या बचेगा, यहाँ से माइनस माइनस कट जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या बचेगा आपका, 2500 इंटू 4, 25 4 10,000, ये कितना आ गया, क्या इनकम है उसकी, 10,000 उसकी इनकम है। सिमिलरली अगर हम गगन की देखें तो 2500, 2 - 3, 4 2 8, 3 3 9 इंटू, बस इसे क्या करना है, बी से मल्टीप्लाई करना है, 3, ठीक है। तो 2500 माइनस में और ये माइनस में 1, माइनस से माइनस कटा, 2500 3 जा कितना आ जाएगा, 7500। तो इसके कितने हैं, ये रुपीज 7500 है इसकी इनकम और इसकी 10,000 है। तो देखा कितने इजी तरीके से आपने दोनों की इनकम निकाल ली। तो दोस्तों आज के लिए ये वीडियो यहीं तक थी, यानी आपको मैंने सिखाए हैं 2 फॉर्मूले, इसके बेसिस पर आपको करने हैं क्वेश्चन, और किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो प्लीज़ कमेंट डाउन ज़रूर करें। दोस्तों एक वीडियो मैं और लेकर आने वाली हूँ रेशियो प्रोपोर्शन का, थोड़ा सा अलग है उसमें, ठीक है, कुछ एक अलग चीज़ सिखाऊंगी मैं, तो वो वीडियो के बाद हमारा रेशियो प्रोपोर्शन खत्म हो जाएगा, ठीक है। आई नो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, लेकिन जितनी भी है बहुत यूज़फुल है, तो आपको क्या करना है, इसके क्वेश्चंस करने। तो आज की वीडियो बस यहीं तक, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें सभी के साथ, और अगर अभी तक नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपके पास उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए। थैंक यू।